मनीषा अगर कोई भोजपुरी सॉन्ग करेगी तो वो सिर्फ पवन भैया के साथ ही करेगी। वो एल्विश के साथ दिख रही है तो एल्विश से चक्कर चल रहा है, अभिषेक के साथ दिख रही है, अभिषेक के चक्कर चल रहा है। हेलो गाइस, माय नेम इज विशाल सिंह एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। विशाल टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। विशाल, बिग बॉस OTT सीजन 2 के टाइम आपने मनीषा को बहुत सपोर्ट किया है, अब और आपके मनीषा के और यू नो पहले कुछ अलग रिलेशन था, यू नो आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी, बट अभी आपकी बॉन्डिंग कैसी है मनीषा के साथ? बहुत अच्छी है, जैसे पहले थी उस वैसी है मेरे ख्याल से। पहले अभी डेफिनेटली अगर डे बाई डे कोई भी रिलेशन हो, मॉम डैड का हो, भाई बहन का हो, दोस्त का हो, उसका रिलेशन तो अच्छा होते जाता है ना जैसे जैसे दिन बीतते हैं, तो और अच्छी हो गई दोस्ती हमारी। ओके, बीच में ना ये भी खबरें सामने आ रही थी कि आप और मनीषा डेट कर रहे हैं बिग बॉस से, जब मनीषा बाहर आई थी जिस तरीके से आपने उन्हें सपोर्ट किया था, ये खबर बहुत ज्यादा सामने आई थी, डेटिंग रूमर्स काफी आए थे। वाह, अच्छा एल्विश निकला बिग बॉस से, कटारिया ने सपोर्ट किया, तो कटारिया और एल्विश डेट कर रहे हैं दूसरे को, है ये कोई बात होती है यार? अभिषेक घर से बाहर निकला है तो अभिषेक का भाई उसको सपोर्ट कर रहा था, अभिषेक के जो मैनेजर हैं जो सब कुछ देखते हैं आशीष भाई, वो उसको सपोर्ट करता है, हर जगह दिखे हैं, तो वो थोड़ा डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब कोई लड़की है और कोई लड़का है तो वो डेट कर रहे होंगे। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं हर टाइम उसके लिए खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, वो भी मेरे लिए हर टाइम खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं और कुछ नहीं है। एक लड़का लड़की सब पिक्चर में होता है कि एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, हो सकते हैं क्योंकि हम हैं। कहीं ना कहीं ये भी कुछ यूजर्स का कहना था कि मनीषा में एटीट्यूड आ गया है, आप उसके फ्रेंड हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे ये बात में कितनी सच्चाई है। जब तक आप किसी से मिल ना लो, जब तक आप किसी से बात ना कर लो, तब तक आप ये बात तो बोल ही नहीं सकते हो कि वो बंदा है, उसके अंदर एटीट्यूड है, क्योंकि जब आपसे वो मिला नहीं है तो आप कैसे उसको जज कर सकते हो? आप जो इंसान उससे मिल रहा है ना, आप उससे पूछो, वो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी बिल्डिंग में, उसकी बिल्डिंग में जो भी काम करने वाले लोग आते हैं ना, जो आंटी वांटी वो लोग बिल्डिंग के जिसको रोक के बात करती है ना, तो वो रुक करके उनके शोल्डर पे हाथ रख के फोटो खिंचाती है उनसे और उनसे बात करती है, 5 मिनट बैठ के सोफे बात करने लगती है कि अच्छा आप कौन से फ्लैट में काम करती हैं, अच्छा वो बहुत डाउन टू अर्थ है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी इतना डाउन टू अर्थ होगा, और ये मैं बोलने वाली बात नहीं है, आप लोग भी जुड़े हो, आप लोग भी पब्लिक हो, ऑडियंस हो, आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा, वो उसके अंदर एटीट्यूड नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। वो थोड़ा सा किसी किसी चीज़ में ऐसा है, कहीं जाना है थोड़ी लेट हो जाती है, लोग उस चीज़ को नाम दे देते हैं एटीट्यूड का, वैसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, वो सबके लिए, मतलब वो किसी को भी आज तक मैंने देखा है कि कोई फ्लाइट में, अभी हम लोग एक दिन जा रहे थे कहीं पे, कोई शूट ही था, तो एक आंटी ने उससे कुछ पूछा कि आप मनीषा रानी हो ना बाबू, हम आपको देखते थे, वो लड़की उनको वहाँ से लेके जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ तक वो फ्लाइट में उनके साथ बैठी, बात की, उतरी, बाहर तक ड्रॉप किए उनको, क्यों वो जानती भी नहीं थी उनको उसको, मैं तो सिर्फ ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने उसको कुछ बोला भी नहीं इस बारे में, उसका ये नेचर है, वो बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, वो सबसे बहुत स्वीट है, कभी मिलो आप उससे, अगर आपको वो इग्नोर कर दे तो आपको समझ में आएगा। और जहाँ तक मुझे उसके फैंस का पता है, उसके फैंस उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, सब जानते हैं, सब बोलते हैं कि एक ऐसी लड़की फेमस हुई है बहुत ज़्यादा, जो हमारे बीच की लड़की फेमस हुई है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है वो। अबाउट पवन सिंह, आप काफ़ी ना उनके क्लोज हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, तो हर जगह माना जाता है उनको, उनको उनको बॉलीवुड में ही माना जाता है। तो उनसे क्या कुछ आपने सीखा है अपनी जर्नी में लाइफ के? मैंने उनसे सीखा है बात करना, उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वो जो बात करते हैं, वो जो बोलते हैं ना, मैंने नहीं देखा कि किसी भी इंसान का इतना ज़्यादा ऑरा होता होगा, इतना अच्छा ऑरा है उनका कि वो किसी स्टेज शो में, किसी भी लाइव शो में, कहीं पर इंटरव्यू में, वो जो बोलते हैं ना वो वन लाइनर बन जाता है, ऐसा कोई नहीं है। मैं बड़े से बड़े सुपरस्टार की बात कर रहा हूँ, एक पवन भैया ही ऐसे इंसान है जो कुछ भी बोल देते हैं ना तो अगले दिन उस पर रील बनते हैं, 1-1 लाख, मतलब 1-1 दिन में, 1-1 महीने में, वो उनका बोलने का मतलब वो जो अदा है, वो जो चलते हैं, वो जो बोलते हैं ना, वो इतना अच्छा है ना, किसी को इतना ज़्यादा वो कर, मैं किसी का देखिए, मैं कभी आज तक मैं ऐसा नहीं रहा हूँ, मैं फ़ैन रहा हूँ पंकज त्रिपाठी जी का, इरफान खान जी का, इन लोगों का फ़ैन रहा हूँ, पवन भैया से मुझे प्यार है, वो क्योंकि मैं उनको देखते आया हूँ ना, वो जिस तरीके से वो चलते हैं, खड़े रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, जिस तरीके का उनका कन्विंसिंग पावर है, सामने वाले को जो बोल देंगे वो सामने वाला कन्विंस हो जाता है, वो एक एक, जबकि वो पढ़े लिखे भी नहीं है, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, उसके बाद भी उनकी कभी भी वो बैठेंगे ना, वो अपने मन से खुद से बोल देते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं ये वो, लेकिन उनका आप स्टार्टिंग से के लास्ट तक का कोई भी इंटरव्यू देखिएगा, वो जो बोलते हैं एकदम सटीक बोलते हैं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बोलते हैं, एक भी चीज़ गलत नहीं सुनाई देगी आपको, तो ये है उस इंसान के अंदर कि बिना पढ़े लिखे इतने बड़े लेवल पर पहुँच के इतना सही बोलते हैं वो, और उनके लिए तो जान हाजिर है, एकदम दिल से है।
लव यू पवन भैया। फ्यूचर में कभी हम मनीषा रानी और पवन जी का कोलैबोरेशन देख सकते हैं? अरे अरे पक्का देखेंगे, है कोशिश जारी है, बहुत जल्दी करेंगे। और मनीषा अगर कोई भोजपुरी सॉन्ग करेगी तो वो सिर्फ पवन भैया के साथ ही करेगी पहला, और मैं तो कहूंगा कि दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी उन्हीं के साथ रहे सब। ओके, टॉकिंग अबाउट अभिषेक, अभिषेक के साथ मनीषा ने कुछ गाना शूट किया है, तो किस तरीके का सॉन्ग होने वाला है? अभी गाना शूट हुआ नहीं है, होगा और बहुत अच्छा गाना आने वाला है, बहुत अच्छा सॉन्ग आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, बात चल रही है, अभी आगे इसके बारे में आपको मिल जाएगा न्यूज, अभी बोल नहीं सकता कुछ भी। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी अभिषा फैंस हैं, जो भी लोग देखेंगे, जो मनीषा स्क्वाड्स है, जो अभिषा फैंस है, वो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। टॉकिंग अबाउट एल्विश, कहीं ना कहीं मनीषा का नाम एल्विश के साथ जोड़ा गया था, लेकिन कुछ फैंस, कुछ लोगों को जो है एल्विश के साथ उनकी जोड़ी नहीं भी पसंद आई थी, और इस चीज़ को लेकर एल्विश ने बोला था कि हम जिसको जरूरी नहीं कि आप लोग जिसके साथ हमारी जोड़ी पसंद करो उसी के साथ हम डेट करें। तो आपका क्या टेक है इस पर, जिस तरीके से एल्विश ने बोला था, और कॉन्ट्रोवर्सी भी खूब बहुत सारी सुनने में आई थी कि एल्विश और मनीषा की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है? नहीं, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी देखिए सामने कोई पीठ पीछे ब्लॉग में या इंटरव्यू में कोई क्या थॉट लेकर के बोल रहा है, इसमें किसी को गलत तरीके से जज नहीं कर सकते। वो फैंस कभी कभी ना थोड़ा सा इतना ज़्यादा उतावले हो जाते हैं ना कि वो अपनी चीज़ें मनवाने के लिए वो सोचते हैं कि ये चीज़ हो। अब एल्विशा वाले चाहेंगे कि एल्विश के साथ दिखे मनीषा, अभिषा वाले चाहेंगे कि अभिषा के साथ दिखती रहे, ऐसा नहीं होता है। वो उसका काम है, वो बाहर निकलने के बाद उसको जिसके साथ काम मिलेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल रहेगी, तो वो ज़रूर करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एल्विश के साथ दिख रही है तो एल्विश से चक्कर चल रहा है, अभिषेक के साथ दिख रहा है अभिषेक के चक्कर चल रहा है। ये लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं सब लोग। इन लोग अगर आगे कोई भी काम आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग ये कह सकते हो कि दोनों में से किसका वो ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बट आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप सिर्फ एल्विश के साथ रहो, आप सिर्फ अभिषेक के साथ रहो, ऐसा नहीं होता है। वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.